आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के आला अधिकारियों के साथ की बैठक। आदर्श आचार संहिता को कड़ाई से लागू किए जाने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जनपद में शनिवार को निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता को किया है लागू। राजनीतिक दलों का हटाया जा रहा है बैनर पोस्टर। 15 जनवरी तक सभी राजनीतिक पार्टियों के रैली जनसभाओं पर है रोक। करें कोविड प्रोटोकॉल का पालन। बूथों पर मूलभूत सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। आदर्श आचार संहिता व निर्वाचन के संबंध में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। कहा 15 जनवरी तक सभी तरह के जनसभाओं व रैली है प्रतिबंधित। एक साथ 5 लोग ही घर घर जाकर कर सकते हैं जनसंपर्क। जनपद में 3 मार्च को पड़ेगा वोट। 10 मार्च को होगा वोटों की गिनती। हड़हवा फाटक रोड पर शनिवार को युवक को लाठी डंडों से पीटते हुए वीडियो हुआ वायरल। वायरल वीडियो का गोरखनाथ पुलिस ने लिया संज्ञान। 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मतदाता पुनरीक्षण व जनपद के सभी विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। मतदाता सूची में नाम बढ़ाने व आचार संहिता का पालन करवाने के लिए सभी अधिकारियों को दिया निर्देश। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जनपदों में शनिवार को आदर्श आचार संहिता की घोषणा। एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा आचार संहिता का पालन करवाने के लिए हटवाया जा रहा है चौराहों पर लगे बैनर होर्डिंग को। सभी लोग आचार संहिता का करें पालन। सदर तहसील में स्थापित मतदाता पंजीकरण केंद्र का जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने किया औचक निरीक्षण। युवा मतदाताओं की वोटर आईडी की संख्या को बढ़ाने के दिए निर्देश। कोटे पर वितरित किए जा रहे तेल और नमक के पैकेट व बैग पर बिफरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। जिलाधिकारी के माध्यम से चुनाव आयोग को दिया ज्ञापन। कहा आचार संहिता का अनुपालन कराएं चुनाव आयोग। गोरखपुर में अवैध रूप से संचालित वाहनों के विरुद्ध चलाए गए संयुक्त चेकिंग अभियान। 30 से अधिक बसों का किया गया चालान। हालांकि परिवर्तन कार्रवाई में आरटीओ परिवर्तन दल को 900 चौराहे से आगे मेन हाईवे पर ऑफिस खोलकर बैठे अवैध रूप से संचालित हो रहे वाहनों पर नहीं गई नजर। सिख पंथ के जनक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का श्रद्धा व उल्लास से मनाया गया 355वां प्रकाश उत्सव। कहा मानव जगत के भले के लिए की गई प्रार्थना। अरदास के बाद हुआ प्रसाद का वितरण। और गोरखपुर में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते जा रहे हैं मामले। रविवार को 194 पाए गए कोरोना के नए मरीज। जिले में एक्टिव केस की संख्या हुई 587। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी।